दोस्तों, क्या आपकी नसों में कभी कमजोरी रहती है? नसों में ब्लॉकेज का रिस्क होता है, आपका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं खासकर, वो यदि बढ़ा हुआ है, या फिर आपको रिस्क है कि कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, या आपको लगता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, उन टॉक्सिन्स का क्या किया जाए, इस तरह के सवाल आपको आते हैं या इस तरह की समस्या आपको है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज जो हमारे घर में मौजूद है, हमारे किचन में मौजूद है, जिससे हम इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर विपुल कुमार अमरावती महाराष्ट्र से आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, और आज के इस वीडियो में जानेंगे लहसुन के फायदे। जी हाँ, लहसुन जो हमारे किचन में पाया जाता है, उससे इन सभी प्रॉब्लम से हम आसानी से निजात पा सकते हैं। तो कब हमें लहसुन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि पहली बार आप मेरे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर ये लहसुन इतना फायदेमंद कैसे है, क्या बेनिफिट्स हमें लहसुन से देखने को मिलते हैं, क्या क्या फायदे हमें लहसुन के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला तो ये हमारे शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जिसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, एलडीएल जिसे कहते हैं, उसको ये कम करता है। एलडीएल जब भी हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो वो नसों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसका प्रमाण बढ़ने की वजह से नसें हमें चोक होती हुई, ब्लॉक होती हुई देखने को मिलती है, नसें कमजोर हो जाती है। और ये यदि हम कच्चा लहसुन खाते हैं तो उससे हमारा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो हमारे शरीर में बढ़ता है, और एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है। तो इससे होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो भी नसों के अंदर जमा होते हैं फैट, जो ब्लॉकेजेस जमा होता है, वो जमा नहीं होने देता है ये, और साथ ही साथ जो भी जमा हुआ है ब्लॉकेज थोड़ा बहुत, उसे भी रिमूव करने में हमारी ये लहसुन मदद करता है। तो ये सभी फायदे हमें लहसुन के खाने की वजह से, सेवन की वजह से देखने को मिलते हैं। लहसुन के अंदर दो घटक होते हैं, एलिसिन और एलिन, तो इन दोनों की वजह से हमें ये सभी चीजें बेनिफिशियल होती हुई देखने को मिलती है। इसका दूसरा फायदा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए लहसुन फायदेमंद है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि डायबिटीज के लिए करेले का जूस ले लो, नीम का जूस ले लो, इससे हमारा डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि लहसुन से भी डायबिटीज कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि लहसुन के अंदर कुछ सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे शरीर का इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम कर देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हमारा शरीर का इंसुलिन जो है वो एक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से शुगर का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का एक्शन कंप्लीट होता है और हमारे ब्लड का जो शुगर है वो यूटिलाइज होता है टिश्यू के लेवल पे, और हमें शुगर का कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलता है। ये लहसुन आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मदद कर सकता है। इसका तीसरा फायदा है, इसके अंदर प्रोटीन थोड़े बहुत हमें देखने को मिलते हैं, कैलोरीज भी होती है लहसुन के अंदर, लेकिन इसके अंदर एक चीज नहीं होती है, वो है फैट। तो अब ये खा भी अगर हम लेते हैं तो बहुत ज्यादा फैट हमारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता है, जिसकी वजह से ये भी एक बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। इसका चौथा फायदा यह है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए लहसुन का बहुत ज्यादा फायदा हमें इसलिए होता है क्योंकि लहसुन के अंदर बहुत से ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स को मिमिक करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी के ब्लड प्रेशर को कम करने की भी क्षमता रखते हैं। तो इतना ज्यादा फायदा हमें लहसुन की वजह से देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये पाया गया है, नोन फैक्ट है, कि लहसुन जो है हमारे शरीर से टॉक्सिन्स रिमूव करने में भी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें बॉडी से रिमूव करने के लिए भी लहसुन का फायदा हमें होता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये फैटी लीवर के अंदर भी फायदेमंद होता है। फैटी लीवर वो कंडीशन होती है जहां पे लीवर के अंदर बहुत ज्यादा फैट के सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो लहसुन खाने से फैट बर्न होता है और फैटी लीवर के अंदर भी हमें बहुत अच्छा फायदा लहसुन की वजह से देखने को मिलता है। फैटी लीवर की समस्या हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। इसका अगला फायदा यह है कि लहसुन के नियमित सेवन से हमारा खून जो है वो पतला होता है। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये ब्लड थिनर का काम करता है। अब यदि खून गाढ़ा नहीं हुआ तो वहां पे खून के अंदर थक्के जमने का प्रमाण कम रहता है। खून के थक्के यदि नहीं जमे तो क्लॉट बनने का प्रमाण कम रहेगा, और क्लॉट बनने का प्रमाण कम रहा तो नसें ब्लॉक होने का भी प्रमाण हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। तो खून को
पतला रखने की क्षमता हमें लहसुन के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ लहसुन जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से लेस होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी यानी हमारे शरीर के अंदर कहीं पे भी यदि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे कम करने की क्षमता लहसुन के अंदर हमें देखने को मिलती है। खासकर ब्रेन के अंदर यदि सूजन है, किसी कारण से इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने की क्षमता लहसुन में है। इसीलिए लहसुन खाने से जो है हमें कई बीमारियों में फायदेमंद रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अल्जाइमर्स है, तो अल्जाइमर्स के रोगियों के अंदर भी ये काफी फायदेमंद होता है। जिन्हें बार बार भूलने की आदत हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ब्रेन के अंदर हो रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर, अल्जाइमर्स के रोगियों के अंदर हमें कुछ हद तक बेनिफिट लहसुन खाने से होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये थे फायदे जो हमें लहसुन के सेवन की वजह से नियमित होते हुए देखने को मिलते हैं। अब इसे लेना कैसे है? आप कहेंगे कि मैं सब्जी में या तेल में फ्राई करके लहसुन खा लेता हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो लहसुन को तेल में नहीं तलना है, या सब्जी में जो हम फ्राई कर रहे हैं वो लहसुन के हमें इतने ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब भी ये फ्राई होता है तो इसके ये जो भी हमने बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज देखी वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो इसे लेने का सही तरीका यह है कि हमें कच्चा लहसुन खाना चाहिए। अब इसे कितना खाना चाहिए? तो रोज 4 से 5 ग्राम लहसुन हमें कच्ची कलियां खानी चाहिए। अब कम से कम 2 कलियां इसमें आ जाएंगी, 2 कलियां हमें कच्ची रोज लहसुन की खाना है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, बहुत सी बार ये जो लहसुन होता है तेज स्वाद का होता है, पंजन सा होता है, तो बहुत प्लीजेंट नहीं होता है। कच्चा लहसुन खाना बहुत अच्छा नहीं लगता है, इरिटेटिंग सा लगता है, और साथ ही साथ स्मेल भी इसकी बहुत ज्यादा हमें आती हुई देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, इसका पेस्ट बना सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं, या फिर लहसुन को कूट करके वो पानी में मिला करके वो पानी पी सकते हैं, जिससे हमें ये सभी बेनिफिट मिलेंगे, या फिर इसकी चटनी भी बना सकते हैं जिसे हम हमारी रोटी के साथ में खा सकते हैं। तो ये सभी तरीके हैं जिससे हम इसके पंजेंट स्मेल होने के बावजूद भी डायरेक्टली खा सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इतना पंजेंट होने के बाद में भी लहसुन डायरेक्ट खा लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, बेनिफिट आपको मिलेंगे, लेकिन कच्चा लहसुन आपको खाना है। अब इसे खाने का तरीका क्या है, कब हमें खाना चाहिए? इसे खाने का सही तरीका यह है कि खाने के 1 से 1.5 घंटे के पहले यदि आप इसे ले लेते हो तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेंगे। खासकर यदि सुबह हम खाली पेट लहसुन का सेवन कर लेते हैं, 2 कलियां खा लेते हैं, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये था तरीका लहसुन को सेवन करने का, और आज के इस वीडियो में हमने जाना कि लहसुन के क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। एक छोटी सी चीज जो हमारे किचन में मौजूद है उससे हम इतनी सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो में इससे भी अच्छा कोई खास टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।